अस्सलाम वालेकुम इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग हर खुश होंगे। आज की वीडियो में आप शामिल कहते हैं और अभी जो आप लोगों ने बोरी देखी उसके अंदर मूँगफली भरी हुई थी और कानों कान भरी हुई थी और उसको जो है वो हमने बेग के अंदर डाल लिया। क्यों डाला और प्रोसीजर चेक करें। ये जो शॉप है ये एक रोड के ऊपर है तो इसलिए इधर नॉइस वगैरह बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा, उसके लिए एडवांस में माजरत। पीछे ट्रैफिक है, इधर मशीन चल रही है और मैं जो है वो माइक वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ तो इसलिए आप लोगों को नॉइस ज़्यादा मिलेगा, उसके लिए एडवांस में माजरत। चेक करने लगे हैं कि इसकी जो खुनाई है वो कहाँ तक हो चुकी है और ये तैयार हो गई है कि नहीं। शायद वैसे मज़ा लेने लगे हैं लेकिन वो जो भी करें उनका काम है, हम उन्हें क्या कह सकते हैं। तुसी जी कट के रखी है की वजह चेक करन दे सब कि भुनी गई है कि नहीं। यह मतलब जो छिली सही तरह जाए तो फिर भुनी होंगी है रंग तो। अच्छा रंग का साफ होंगे। सही 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 सही। तो जी ये उन्होंने साथ में शापर रखा हुआ है जिसमें वो चेक कर करके डालते रहते हैं कि अगर तो भुनी गई है तो फिर भी उनको अंदाज़ा हो जाता है और अगर नहीं भुनी गई तब भी अंदाज़ा हो जाएगा। और इंक जो मशीन है वो किस तरह से दिखती है वो भी हम देख लेते हैं। और इसकी जो राख वगैरह है वो नीचे गिरती जा रही है। हाउ इंटेलिजेंट यार, मतलब लकड़ी आप जितनी भी डालेंगे वो राख वगैरह डिस्टर्ब नहीं करेगी आपको, बार बार जब निकालना नहीं पड़ेगी। वो देखिए उधर जो सरिये हैं इनसे जो है वो राख नीचे गिर जाती है। अभी जो है वो परागा निकालने लगे। और तकरीबन एक बोरी जो है वो एक परागे के अंदर निकल रही है। इनकी माशाल्लाह इतनी बड़ी देग है कि एक पूरी बोरी जो है वो आपके सामने पूरी जो फिल हो चुकी है एक परागे के अंदर। We'll be right back.
और इस टाइम जो है वो देख के अंदर इन्होंने क्या डाला है, मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूँ। इसके अंदर है जी रेत और बाकी देख जो है वो खाली है। मुझे लग रहा था कि शायद इसके अंदर कट वगैरह होंगे जब मैंने कल देखा था, लेकिन इसमें कट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल जो है वो रेत है अंदर और उसकी बिल्कुल साइडें खाली हैं। लेकिन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है अंदर का, क्योंकि नीचे जो है वो हर टाइम जो है वो चूल्हा जल रहा होता है। ये वाली मूंगफली जो है वो हमने इसके अंदर डाली थी, अभी इसको भूनने के लिए कितना टाइम लगता है और ये किस किस्म की मूंगफली है वो सब कुछ पूछते हैं भाई से। ये ऐसे करके पकड़े थे मूंगफली, देखे ऐसे करके, अभी तो बिल्कुल ठंडी है। तो इस चीज़ के प्रोफेशनल मैं उनसे पूछता हूँ कि कितना टाइम लगेगा इसको मुकम्मल जो है वो भुनाई के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, कितना टाइम लगेगा मुकम्मल भुनन तो, ये खोल के तैयार हो के बाहर आएगी कितने टाइम से आएगी? अद्धा घंटा लग जाता तो इनू एक बार च भुनते हो कि बार बार भुनते हो? एक बार बराबर भुनी जाती है सही। दिहाड़ी से तकरीबन ज़्यादा तो ज़्यादा किनिया बोरियाँ भुनिया ने अज तक? 60 10 बोरियाँ इनके एक दिन के अंदर इन्होंने मैक्स जो है वो अभी तक भून चुके हैं। तो वैसे किनिया भुनिया जा सकती हैं क्योंकि 8 घंटे लगे रहो थे 8 घंटे 8 घंटे चट होनी है, लेकिन अद्धा घंटा एक लगे तो ऐसा हफ्ते 16 नहीं होनी चाहिए थी। सही सही सही, लेकिन जी ए वाली है इनू तकरीबन अद्धा घंटा लगेगा। ये जो मूंगफली है इसको बोरी में डालने की रीज़न ये है कि अगर कोई दाना अंदर से कच्चा रह जाता है तो वो दब्बू की वजह से इनकी उसकी अपनी जो हीट होती है उसके साथ पक जाएगा, और फिर उसके बाद जो है बाकी का प्रोसीजर होगा, यानी कि उसको इस तरह से ओपन के अंदर वो निकालेंगे। और माशाल्लाह इनके कस्टमर्स जो है वो 400 लगे हुए हैं। लेकिन यूनिक चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि बाबा जी जो है वो साइकिल पे अभी भी घूमते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और एक बोरी जो है वो भून के तैयार कर ली इन्होंने माशाल्लाह, एक बोरी जो है वो अंदर है और एक नई बोरी जो है वो लेके आ गए हैं, क्योंकि आज का इनका टारगेट जो है वो यहाँ पर हो जाना कम्प्लीट। ये आखिरी बोरी है इनकी भुनाई के लिए। और अभी वो चेक कर रहे हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है, उसके बाद जो है वो इसको उंडेलेंगे या नहीं उंडेलेंगे ये वो देख रहे हैं। लगा दियो नाल, कोई मसला नहीं।
हम भी चेक करते हैं। मेरा ख्याल है इसके टेम्परेचर से लग रहा है कि अभी तक नहीं हुई। बता रहे हैं कि शायद इसको जो है वो घंटा भी लग सकता है, क्योंकि ये वाली जो बोरी थी ये गीली थी। तो अभी इसका वेट करते हैं। शॉप की जो आउटर लुक है वो ये है, और सामने जो है वो मशीन लगी हुई है इनकी। अंकल जी जो है वो मतवातर उसकी वो सफाई कर रहे हैं, और जो दाने नीचे गिर जाते हैं वो ज़्यादातर या तो खाली होते हैं या मिस्टेकली जो कुछ दानों वाले जिनकी जिनके अंदर अभी मूँगफली का दाना जो है वो हो और वो वाला नीचे गिर जाए, तो उसके लिए एक बार दोबारा से शहीद करेंगे, और फिर जो है उसका बाकी क्या यूसेज होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ये भाई साहब जो है वो इसी तरह से छिड़ाई करते करते ये बोरी भी करेंगे, फिर उसके बाद ये वाली बोरी भून के, ये वाली बोरी जो है इसकी भी सारे की छिड़ाई करके, उसके बाद जो ये बाकी का बचा है उसकी भी छिड़ाई करेंगे। और ये जो नीचे बाकी की पड़ी हुई है इसको एक बार दोबारा से छिड़ाई करके, तो जो दाने दोबारा से निकल आएंगे उनको जो है वो सेल आउट कर दिया जाता है इनके सस्ते रेट के ऊपर, और जो बाकी की बच जाती है उसको इस भट्टी के अंदर आग लगा दी जाती है। और फाइनली जो है वो ये वाली बोरी भी इन्होंने कम्प्लीट कर ली है माशाल्लाह, और अब जो है वो इसकी भी सफाई करके वो इसके अंदर डाल देंगे, तब तक जो है वो इंशाल्लाह ये वाली भी भून के तैयार हो जाएगी। यहाँ से छिड़ाई करके उसके बाद इसकी जब सफाई कर ली जाती है इसको यहाँ से उठा के, तो इन परातों के अंदर जो है वो सजा लिया जाता है, और फिर यहाँ से जो है वो कस्टमर इसको देख के अपनी ज़रूरत के मुताबिक उठा लेते हैं। इनके पास एक ये वाली है, ये सिंध की है, उसके बाद ये है दूसरी, और इसके अलावा जो है इनके पास तीन किस्म की और भी मूँगफली पड़ी हुई है। फिर सिंपल सा इसे कंक्लूजन निकाला जाए तो कच्ची मूँगफली आती है उसको उठा के उसके अंदर डाला जाता है। इन्होंने मशीन का एक सेटअप बनाया हुआ है जिसके ज़रिए जो है वो देख घूमती रहती है, नीचे उन्होंने आग जलाई होती है, देख गर्म होती है, अंदर मूँगफली भुनी जाती है। एक वक्त के बाद जब वो भुन जाती है सारी, उसके बाद उसको दोबारा से बोरी में डाल के इधर रखा जाता है जिसको दम लगाया जाता है। दम लगाने के बाद उसको इधर फेंका जाता है, फेंकने के बाद जो है वो छज के ऊपर फेंकने के बाद उसकी छिड़ाई की सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो रॉ मटेरियल गिरता है उधर, बाकी का जो साफ होता है उसको बोरी में डाल के तो उधर लगा लेते हैं। अब सवाल ये है कि जो उधर गिरता है उसका क्या करना है, जो उधर गिरता है उसको ये दोबारा से एक बार छिड़ाई करते हैं, और जो बिल्कुल रह जाता है जिसके अंदर कोई दाना नहीं होता मूँगफली का जो खोल होता है उसको ये इस बर्नर के अंदर जला देते हैं, इनके आग वाला जो तंदूर है इनका इसके अंदर जला देते हैं, और जिसके अंदर मूँगफली बाकी बची होती है वो सस्ते दामों सेल आउट हो जाता है। और ये था हमारा मूंगफली का प्रोसीजर सारा। ये कारीगर हैं जो चेक करते हैं और काफ़ी महारत रखते हैं इस चीज़ के अंदर। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, और मुझे बहुत सारी भूख लग गई है, अभी जाके कुछ चीज़ खाते हैं और बाकी का आप लोगों को बाद में बताते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खाने का टाइम आ गया, शलजम चिकन, रायता, शामियाँ मज़े मज़े की रोटियाँ, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज का डे भी काफ़ी मज़े का रहा। होप सो कि आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अभी भूत काफ़ी जो है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं, भूख काफ़ी शदीद वाली लग गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम दे रहे हैं, खाना शाना खिला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमें दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहें आप, अल्लाह हाफिज़। और माशाल्लाह यहाँ से गुजरते वक्त तो नहीं, लेकिन ढूंढ ढांड के हमने ढूंढ ली जगह जहाँ से हम इंशाल्लाह मज़ेदार सा दूध पीने लगे हैं। और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, गर्म हो रहा है दूध माशाल्लाह, ऊपर मलाई आ गई हुई है।